नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम सोनी और आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम न्यूज। खबर दिनभर के इस बुलेटिन में आपको चलिए दिखाते हैं खबर महाराजपुर तहसील अंतर्गत ग्राम टटम की। यहां टटम के रहवासियों की कई दिनों से समस्या बनी हुई है कि उन्हें 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। साथ ही में ग्रामवासियों ने आरोप लगाए हुए हैं कि OIC के द्वारा सुविधा शुल्क के नाम पर उनसे रकम भी मांगी जाती है। इस पूरे संबंध में ग्रामवासी जब एकजुट हुए और महाराजपुर तहसीलदार के पास जाकर अपनी कार्रवाई करवाने के लिए और मांगों को पूरा करने के लिए ज्ञापन भी सौंपा। चलिए दिखाते हैं खबर पूरी विस्तार के साथ। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि महाराजपुर तहसील के अंतर्गत आने वाला ग्राम टटम के रहवासियों ने एक आवेदन दिया हुआ है, जिसमें आवेदन के माध्यम से उन्होंने बताया कि सभी स्थानों पर लाइट दिलवाए जाने की प्रमुखता से उनकी मांग है, क्योंकि ये सभी ग्रामवासी कृषि पर निर्धारित हैं और अपनी किसानी खेती करने के लिए उन्हें बुवाई के लिए व अन्य खेती के लिए उपकरण चलाने होते हैं, जिसके लिए इलेक्ट्रीशियन का होना बहुत जरूरी होता है, जिसमें उन्हें उनकी उपलब्धता के अनुसार यह पूरी बिजली नहीं दी जा रही है। जिस पर आक्रोश जताते हुए सभी ग्रामजनों ने एकजुट होकर आवेदन के माध्यम से महाराजपुर तहसील को अवगत कराया। ग्रामवासियों के द्वारा मौखिक रूप से OIC महाराजपुर को भी कई बार अपनी समस्याओं से अवगत कराया, किंतु उन्होंने भी आज तक की दिनांक में किसी भी प्रकार की उचित कार्यवाही नहीं की। उनका कहना होता है कि जिन लोगों को यह सुनाना है वो सुना सकते हैं, उनके द्वारा जितनी लाइट दी जा रही है उतनी ही लाइट यूज कर सकते हैं। इस परेशानी से जूझ रहे कि हम कटौती के सरकट में हैं और काका पूरे गांव में 24 घंटा है, हम 20-25 लोग भर के कटौती में रहते हैं। हमको कोई ठिकाना नहीं है कितनी बजे लाइट आती है, टोटल 4 घंटा आती है। ये हम लोग ग्राम टटम से आए हैं, चूँकि पूरे गांव में 24 घंटे लाइट सप्लाई रहती है और हम 25 से 30 लोग हैं जिनको कटौती वाले सर्किट में कर दिया गया है। और OIC साहब से बोलने पर वो कहते हैं आप लोगों को मैं शुल्क लगेगी 2,000 रुपये प्रति किसान दो हमें, तो हम आपकी लाइट 24 घंटे वाले सर्किट में करवाए दे रहे हैं। हम लोगों ने बोला हम पैसे दे के नहीं जुड़वाएंगे, तो बोले आपको जिसको सुनाना हो तो आप सुना सकते हो, कहीं कुछ नहीं है। तो हम लोगों ने खजुराहो जाके एक आवेदन दिया अभियंत्री महोदय को और यहाँ आके कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन एक तहसीलदार को दिया है। कब से परेशान है? आज करीबन एक महीने होने जा रहा है जब से हम लोगों के साथ ये हो रहा है। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूँ शुभम सोनी और आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम न्यूज। खबर दिनभर के इस बुलेटिन में चलिए अब आपको खबर दिखाते हैं हम छतरपुर शहर की। यहाँ दशहरा के पर्व के बाद अब रजक समाज के द्वारा भी उनकी इकाई के द्वारा कार्यकर्ताओं के एकजुट होकर दशहरा मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस पूरे कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ जनों के साथ युवा भी मुख्य रूप से मौजूद रहे, जिसमें एक प्रमुखता से दशहरा के साथ में अपनी मांग को आगामी विधानसभा चुनाव में प्रसार प्रसारित करवाने के लिए मुख्यता से रखी। उनका कहना है कि अगर उनकी रजक समाज की जाति को अनुसूचित जनजाति में नहीं जोड़ा जाता है तो इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में भी देखने को समाज के लोगों द्वारा मिल सकता है। रजक महासंघ के जिलाध्यक्ष सुंदरलाल श्रीवास एवं उपसंभागीय अध्यक्ष विनोद के तत्वाधान में रजक महासंघ को हरिजन में लाने का जो पार्टी वादा कर रही थी वह अभी तक झूठी सान बताई जा रही है। जिलाध्यक्ष सुंदरलाल श्रीवास ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य शासन के द्वारा जाति पर सौतेले व्यवहार संघ के जिला प्रवक्ता डॉक्टर कैलाश द्वारा किया जा रहा है कि इस बार उनकी समाज ने पूर्ण निर्णय कर लिया है कि चुनाव बहिष्कार करेगी, रजक महासंघ अनुसूचित जाति में नहीं तो किसी भी नेता को वोट नहीं देगी, समाज के कोई भी वरिष्ठ जन या आम जन। तो बिल्कुल है, समाज के हित की बात है और इसके लिए हम लोगों ने भोपाल जाकर के, दिल्ली जाकर के मनमोहन सरकार से और माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार से बड़ी विनम्रतापूर्वक जो है उन्हें लिखित आवेदन दिया, भरपूर कोशिश की, लेकिन हमें लगता है कि डिस्पोजल की तरह यूज़ किया जा रहा है हम लोगों को। वो इस तरह का यदि अब होगा, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी हो, यदि हमारे समाज के हित में एक भी जरा सी अगर सोच नहीं है उनकी अच्छी, तो हम रजक समाज वाले कम नहीं हैं, बहुत सारे हैं और बहुत दम रखते हैं, भरपूर विरोध करेंगे, हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, किसी को कोई वोट नहीं करेंगे। खबर दिन भर के इस बुलेटिन के लिए बस इतना ही, बने रहे पेप्टिक टाइम के साथ। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खास खबरों के साथ। फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत, नमस्कार। गहोई सेल्स एंड सर्विस में आकर्षक एक्सचेंज ऑफर के साथ आपको मिलेंगे कैंट
नसाका, यूरेका फोर्ब्स, एक्वागार्ड, टाटा स्वच्छ और यूनिलीवर प्योरिट के अलावा ल्यूमिनस बैटरी, हेवल्स, पद्मनी अप्लायंस, बजाज, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, सिंफनी, उषा, सेलो और इसके अलावा टेलीविजन रेंज में टाटा स्काई एचडी, वीडियोकॉन T2H और डिश टीवी की सुविधा, साथ ही साथ वी गार्ड और फिलिप्स के भी उत्पाद। इस भीषण गर्मी में कूलर की हर रेंज गहोई सेल्स एंड सर्विस में उपलब्ध है, तो आज ही आए गहोई सेल्स एंड सर्विस, कांग्रेस कार्यालय के सामने, छत्रसाल चौक, छतरपुर।